हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान स्टडी। दिस इज शुभम सिंह और हम लोग बात करने वाले थे सीटेट के ईवीएस पोर्शन की। जैसा कि इन्वायरमेंटल साइंस में इसे पार्ट वन आपके पास आ चुका था, टू द पॉइंट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी बुक्स के बेस्ट में थे। तो दोस्तों, इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बुक्स में जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं के थ्रू आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बदलाव जिंदगी का हिस्सा, यानी कि बच्चों में कई तरह के बदलाव होते हैं उनकी उम्र के साथ साथ, उनकी मांसपेशियाँ, उनके हार्मोन्स में, तो उनके व्यवहार में भी कई तरह के परिवर्तन आते हैं। इन चीज़ों को हमें काफ़ी संवेदनशीलता से देखना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह जो कि विशेष कैंप लगाता है, इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि किस राज्य में लोगों द्वारा एक विशेष कैंप लगाया जाता है जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको स्कूल भेजने के लिए। तो आप आंसर टिक करेंगे आंध्र प्रदेश। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के की शादी की आयु जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष और लड़के की होनी चाहिए 21 वर्ष। हम बात करते हैं कबड्डी के बारे में, चर्चा करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो कबड्डी को शेडू गुड्डी, हूं टू टू, किट किट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से बताइए किसको कबड्डी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको चेटू गुट्टी दे देगा, दूसरा ऑप्शन हू तू तू दे देगा, तीसरा किट किट दे देगा, या बोलेगा इनमें से सभी। कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है, जिसमें से 7 खिलाड़ी एक समय पर खेलते हैं। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, वह नियमों के अनुसार भी खेला जाता है। खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। खेलों का मतलब क्या होता है, खेल खिलाने का आशय क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में ये जो गेम होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो ये हमारे जीवन में जो भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको बताता है और उसी से हम सीखते हैं। दूसरी चीज ये होता है कि ये फिजिकल, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हमारी शारीरिक होती है और मानसिक, दोनों चीज़ों को, उनकी क्षमता को बढ़ाता है और बौद्धिक विकास को संपन्न करता है। कबड्डी खेल में क्या होता है, शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। कई बार बच्चों को खेल में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाया जाता है, जिसमें कि जाति और लिंग की मेल है फीमेल है, इन सब चीज़ों में भेदभाव दिखाया जाता है। इस पर भी चर्चा की जा सकती है और उनको बताया जा सकता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब बैश नहीं होना चाहिए, किसी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, या धर्म के आधार पर हो। कर्णम मल्लेश्वरी, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इसके पापा जो हैं वो एक पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का प्रयास किया और अब एक बार में ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं और ये कब से ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और अब कितना वेट उठा लेती हैं, ये सारी चीज़ें। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी 4 बहनें हैं जो कि रोज वजन उठाने का प्रयास करती हैं और ये सारी चीज़ें जो कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहा जाता था, इसलिए उत्तराखंड या उत्तरांचल में से कोई भी मिलेगा आप उस पर टिक करेंगे। मधुबनी, मधुबनी से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। खुशी के मौके पर वहां पर क्या होता है कि घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि चित्र किसके होते हैं, पिसे हुए चावल के घोल के, और इनमें कई सारे रंग मिलाकर कुछ खास तरह के रंग भी उसमें होते हैं, जैसे कि इसमें इसको बनाने के लिए हल्दी, फूलों के रंग, इन इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो मधुबनी पेंटिंग में जो कलर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो किस किस चीज़ों का होता है? तो पिसे हुए चावल के घोल का हो सकता है, हल्दी का हो सकता है, फूलों के रंग का हो सकता है।
अब इसमें चित्र किस टाइप के बनाए जाते हैं? इंसानों के, जानवरों के, पेड़ फूल, पंछियों के, मछलियों आदियों के और कई सारे जीव जंतुओं के भी बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार, कचनार के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। केरल में फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में जो सहजन के फूल होते हैं उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। और बहुत से फूल जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें कलर किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कपड़े वाले रंग आते हैं वो अलग आते हैं, तो वो गुलदावरी या जीनिया इनसे भी रंग बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो मशहूर है, आप मशहूर है, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि यहाँ पर इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल ले जाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल तैयार किया जाता है। इन फूलों को शुद्ध अर्क कहा जाता है। जो फूल होते हैं उनको शुद्ध अर्क कहा जाता है, यानी कि इनमें कई तरह के गुलाब जल, केवड़ा आदि मिलाकर उनको शुद्ध किया जाता है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता इसका, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि गांव में लिपाई की जाती है गोबर मिलाकर, तो क्यों की जाती है, उसका क्या मतलब है, उसमें मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। अगर पूछा जाए कि किस लकड़ी में दीमक नहीं लगती, तो आप आंसर देंगे कि नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। सोहना गांव, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को लीपना नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें साल में एक बार ईंटों की दीवारों पर चूने की पुताई कर दी जाती है और इसमें लीपने पोतने की कोई जरूरत नहीं होती है। सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में कौन सा शहर मिलता है? गुड़गांव। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं और कई लाभदायक भी। इसलिए पानी को पीने से पहले साफ करना जरूरी है, और साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पानी को उबालना। पानी को उबालने से सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बसवा कर्नाटक के बेलवनिक गांव में रहता है। जुलाई के माह में जो प्याज किस माह में उगाई जाती है, अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप ऑप्शन टिक करेंगे जुलाई। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि खेत की मिट्टी को किससे नरम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे खूंटी। कर्नाटक में जो हल होता है उसको बोलते हैं कूरीगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर हैं, और बहुत सारे इनमें से आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको दो चार बार पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और इसकी जो PDF है आपको जल्दी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, थैंक यू।